हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ रोनन मंत्रे। आज अब देखने जाएंगे हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक बज रहे थे, हमने दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करा था लास्ट क्लास में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है और एंजियोस्पर्म क्या होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखें सबसे पहले क्या है हमारे पास, जिम्नोस्पर्म क्या होता है। दिस टर्म इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, यानी कि जो ग्रीक वर्ड होते हैं, ग्रीक एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में क्या है, उस लैंग्वेज के जो दो वर्ड्स है जिम्नो और स्पर्म, इनसे मिलकर के बना है जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नो का मतलब क्या होता है अपनी लैंग्वेज में और स्पर्म का मतलब क्या होता है अपनी लैंग्वेज में, उसके बारे में हम देख रहे हैं। जिम्नो मींस नेक्ड, यानी कि पतला। जिम्नो मींस क्या होता है, नेक्ड। एंड स्पर्म मींस सीड्स, यानी कि स्पर्म मतलब क्या हो गया, बीज। तो द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप बियर नेक्ड सीड, यानी कि इस टाइप के जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, नेक्ड शेप का मतलब क्या होता है, जैसे लंबा शेप रूप में जो बीज पाया जाता है। एंड आर यूजुअली पर्निनियर, पर्निनियर यानी क्या होता है, जैसे कि भाई बारहमासी, ऐसे पौधे जो क्या होते हैं पूरे साल भर तक रहते हैं उनको बोलते हैं पर्निनियर। फिर बाद में दे रखा है एवरग्रीन, हरे भरे रहने वाले। एंड वुडी, जिनमें मतलब लकड़ियाँ भी पाई जाएगी। एग्जांपल्स क्या है इसके, पाइंस एंड देवदार। क्या है, देवदार, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई हमारे जिम्नोस्पर्म की, क्या मतलब है इसका, दो वर्ड से मिलकर के बने हुए हैं जिम्नो और स्पर्म, जिम्नो यानी नेक्ड और स्पर्म यानी कि बीज। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें इनमें क्या होता है, जो बीज होता है वो नेक्ड शेप का पाया जाता है, ठीक है। एग्जांपल आपको देवदार और पाइंस मैंने बता दिए, इसके कुछ डायग्राम्स हैं उनको आप एक बार देख लें। हाँ, तो नेक्स्ट आ गया है अपने पास एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म हमारा फर्स्ट था, नेक्स्ट है इसमें एंजियोस्पर्म। अब ये भी क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से, एंजियो एंड स्पर्म। तो द वर्ड इज मेड फ्रॉम, दिस वर्ड इज मेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, एंजियो मींस कवर्ड एंड स्पर्म मींस सीड। यानी कि एंजियो मतलब तो क्या है, चारों तरफ से कवर है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और स्पर्म मतलब क्या है अपने पास यहाँ पे बीज। द सीड डेवलप इनसाइड एन ऑर्गन व्हिच इज मॉडिफाइड टू बिकम ए फ्रूट, यानी कि इसमें क्या होता है, जो बीज होता है वो डेवलप होता है एक कवर शेप के रूप में, और उस कवर को अपन क्या बोलते हैं, फ्रूट। यानी कि जब इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं उनमें बीज जो होता है फ्रूट के अंदर बनता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, इनको फ्लावरिंग प्लांट भी बोला जा सकता है। प्लांट एम्ब्रियो इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कोटिलेडंस, यानी प्लांट के जो एम्ब्रियो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं कोटिलेडन। एम्ब्रियो के अंदर स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, तो कोटिलेडन्स आर कॉल्ड सीड लीव्स बिकॉज़ इन मेनी इंस्टेंसेस दे इमर्ज एंड बिकम ग्रीन व्हेन द सीड इज जर्मिनेट। अब क्या बोला जाता है, जैसे मान लो कि भाई अपने जो प्लांट के अंदर पाए जा रहे हैं कोटिलेडन्स, कोटिलेडन्स को ग्रीन लीव्स भी बोला जाता है, हरी पत्तियां भी बोला जाता है। कारण क्या है, क्योंकि ये क्या होते हैं, जब भी जर्मिनेशन होता है बीजों का तो क्या करते हैं, उसमें हरे कलर देने का काम कर रहे हैं, और या फिर जो है उस हरे कलर के दिखाई देते हैं जर्मिनेशन के दौरान, ठीक है ना। तो इस वजह से इनको ग्रीन लीव्स भी बोला जा सकता है। फिर आ रहा है अपने पास टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलेडन्स प्रेजेंट इन द सीड, यानी कि बीज के अंदर कितने कोटिलेडन्स पाए जाते हैं उसके आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है मोनोकोटिलेडन्स और सेकेंड है डाइकोट्स। यानी कि डाइकोट्स का मतलब डाइकोटिलेडन्स, यानी कि जिनके अंदर दो कोटिलेडन्स पाए जाएंगे वो है डाइकोट्स, और मोनोकोटिलेडन्स यानी कि जिनमें केवल एक ही कोटिलेडन्स पाया जाएगा, नंबर ऑफ कोटिलेडन्स जिसमें एक ही पाया जाता है वो होते हैं हमारे पास मोनोकोटिलेडन्स। तो इनके डायग्राम को एक बार आप नोट कर लें। तो इसके बाद आ गया है अपने पास नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है एनिमेलिया। एनिमेलिया यानी कि आपको नाम से पता चल रहा है इसमें सारे कैसे होंगे, एनिमल्स होंगे। अब एनिमल्स होंगे तो वो क्या कर सकते हैं, हेटरोपिक नेचर के होंगे, अपना जो फूड है दूसरे मटेरियल से, दूसरे जो चीज़ें होगी उनसे प्राप्त करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह चल फिर सकते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है ना। तो
तो ये सारी तो विशेषताएं होती हैं एनिमल्स की। तो देखते हैं अपन एनिमेलियम, यूकेरियोटिक, मल्टीसेलुलर एंड हेटरोट्रॉफी, ये इनकी क्या होगी, तीन विशेषताएं होती हैं जो एनिमेलिया में आएगी आएगी। और दे डू नॉट हैव सेल वॉल्स, क्योंकि ये प्लांट नहीं है तो इनमें सेल वॉल्स पाई जाने की बात होती नहीं है, मतलब इनमें सेल वॉल्स नहीं पाई जाएगी, ठीक है। फिर आता है हमारे पास इसके अंदर फर्स्ट ग्रुप, ठीक है ना। एनिमेल जिस तरीके से अपने प्लांटिया को पढ़ा था उस तरीके से एनिमेलिया को भी डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो उसके अंदर फर्स्ट आ रहा है हमारे पास पोरीफेरा। अब पोरीफेरा क्या है, पोरीफ द वर्ड पोरीफेरा मींस होता है ऑर्गेनिज्म विद होल्स, यानी इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या हो रहे हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, पोर्स बोलो, होल्स बोलो, कुछ भी बोलो, मतलब उनमें क्या है, कुछ कुछ छेद पाए जा रहे हैं जिनको बोल रहे हैं अपन पोरीफेरा। These are non-motile animals attached to some solid support. ये क्या होते हैं, non-motile होते हैं। non-motile का मतलब क्या होता है, जैसे कि ऐसे organism जो movement नहीं कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, ये केवल क्या करते हैं, किसी solid shape से attached हुए हुए रहते हैं बस, और उस तरीके से अपना जो मतलब है पूरी जो मतलब survive करने का काम होता है वो करते हैं, मतलब movement ये कुछ show नहीं कर पाते हैं। They are holes और पोर्स ऑल ओवर द बॉडी, इनकी पूरी बॉडी में होल्स और पोर्स पाए जाते हैं, मतलब छेद पाए जाते हैं, इसके थ्रू क्या होता है ऑक्सीजन या दूसरे फूड मटेरियल का अंदर जाने का काम होगा। दीज लीड्स टू कैनल सिस्टम दैट हेल्प्स इन सर्कुलेटरी वाटर थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन, ब्रिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन, यानी कि क्या है, इनमें क्या होता है कैनल सिस्टम पाया जाता है। कैनल सिस्टम का मतलब समझते ही हैं, जैसे कैनल सिस्टम पाया जाता है उसमें उसके थ्रू क्या होता है, इन होल्स के थ्रू जो मतलब ऑक्सीजन या फिर दूसरे फूड मटेरियल है वो इनकी बॉडी के अंदर लिए जाते हैं, और दूसरे बॉडी के जो भाग होते हैं जो इनका मतलब फूड को लेने का काम करेंगे वहां तक पहुँचाने का काम करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम भी कैनल सिस्टम के थ्रू ही पूरा होता है। दीज एनिमल्स आर कवर्ड विद हार्ड आउटसाइड लेयर और स्केलेटन। अभी एनिमल्स की खास बात क्या है, इनका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरीके से एक हार्ड कवरिंग यानी हार्ड लेयर से कवर किया हुआ होता है जिसको बोलते हैं स्केलेटन। अब वो हार्ड लेयर बाहरी बार वाली होती है उसको बोला जा रहा है, तो वो क्या कर रही है, इनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, मतलब प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है बाहर वाले एनवायरमेंट से, किसी तरीके से इसको प्रोटेक्ट कर लें। तो इस प्रकार की जो लेयर बन रही है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, स्केलेटन या फिर आउटर लेयर, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। फिर आ रहा है हमारे पास दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पंजेस एंड आर मेनली फाउंड इन मैराइन हैबिटेट। इनको साधारणतः मतलब मेनली बोला क्या जाता है, स्पंजेस, क्या बोलेंगे, स्पंजेस। और ज्यादातर इनके पाए जाने की जगह क्या होती है, मैराइन वाटर, यानी कि जो समुद्री पानी होता है उसके आसपास ये ज्यादा संख्या में हमें मिल सकते हैं। बाकी जैसे अपन चाहेंगे नॉर्मल अपन को अपने आसपास देखने के लिए तो ये चीजें हमें नहीं मिलेगी, ये ज्यादातर समुद्री पानी के आसपास ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग खास तौर से ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारे पास कि भाई इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, तो साइफोन और स्पंजिला, इसके दो एग्जांपल्स हैं, और भी एग्जांपल्स होते हैं जो आपको एक बार डायग्राम में शो करा रहा हूँ, डायग्राम एक बार आप देख लें। तो आज के तो हमारे टॉपिक यहीं पे खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपने पास सिलेंट्रेटा, तो सिलेंट्रेटा अपन क्या है हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज जो मैंने आपको बताया उसको अच्छे तरीके से देख लें, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो मैंने आपको बताए थे दो ग्रीक वर्ड थे उनके थ्रू ये बन रहे थे। अब यहाँ पे जो है अपना प्लांटिया वाला टॉपिक खत्म हो चुका था, नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट हुआ है एनिमेलिया। एनिमेलिया में अपन उसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, इससे अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ग्रुप हमने पढ़ लिया पोरीफेरा, सेकंड आएगा सिलेंट्रेटा जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको जो जो बताया है क्लास में वो इम्पोर्टेंट है, अच्छे तरीके से याद कर लें और जो भी प्रॉब्लम है वापस से एक बार डिस्कस कर लें। तो आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।